हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है आपने पास होंडा स्कूटर 110 सेगमेंट की दो बेस्ट लॉर्ड डियो एंड द माइटी एक्टिवा। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में जानेंगे। हम लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि इन दोनों में से किसको लिया जाए, तो आज की इस वीडियो से शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ये दोनों DLX वेरिएंट है, DLX यानी डिलक्स स्टैंडर्ड। और DLX में क्या डिफरेंस है आपको कैसे पता चलेगा, हेडलैम्प से। अगर हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है तो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, और LED हेडलैम्प मिलता है तो DLX वेरिएंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो डियो 110 की जो प्राइस है एक शोरूम वो लगभग 79,000 के आसपास, और एक्टिवा का 80,000 के आसपास मिलता है एक शोरूम। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ अधिकारी ऑटोमोबाइल जटेश्वर में ऑन रोड, इस शोरूम में पड़ता है डियो 110 का प्राइस अप्रॉक्स 98,000 और एक्टिवा का प्राइस पड़ता है लगभग 1,00,000 रुपए के आसपास। तो अगर आपको शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो नीचे आए नंबर से आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शोरूम का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भाई शुरू करते हैं एक्टिवा से। सबसे पहले एक्टिवा में आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है, और यहाँ पे फाइबर का बॉडी दिया गया है, क्रोम फिनिश देखने को मिलता है आपको एक्टिवा में। और मडगार्ड की बात करें तो मेटल का मडगार्ड दिया गया है, यहाँ पे राउंड शेप आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। पहले भी ऐसा ही मिलता था लेकिन अभी भी ऐसा ही है भाई, इसको तो चेंज करना चाहिए मेरे ख्याल से। अरे भाई स्टाइल मैटर करता है ब्रो। और टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है यहाँ पे। फ्रंट व्हील की बात करें तो 12 इंच का फ्रंट व्हील दिया गया है, अभी आपको क्लियरली दिखेगा। और 90x90 इसका टायर प्रोफाइल, स्टील रिम। और वही दूसरी तरफ डियो में आपको सबसे पहले यहाँ पे LED DRLs दिया गया है, उसके बाद मेटल फाइबर का बॉडी है ये, और LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है। मडगार्ड की बात करें तो ये भी फाइबर का है, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे अलग देखने को मिलता है रेक्टेंगुलर शेप का। और फ्रंट व्हील की बात करें तो 12 इंच का फ्रंट व्हील दिया गया है यहाँ पे, और 90x90 इसका टायर प्रोफाइल अभी आपको क्लियरली दिखेगा। हाँ, और ये भी स्टील रिम है, लेकिन कलर थीम आपको डियो में अलग मिलता है। और डियो में एक और चीज़ आपको अलग मिलता है, यहाँ पे कार्बन फिनिश जैसा कुछ दे दिया है स्टाइल, और ये काफ़ी अच्छा दिखता है मेरे ख्याल से। लेकिन एक्टिवा में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश देखने को मिलता है। और साइड प्रोफाइल की बात करें एक्टिवा की, तो एक्टिवा साइड से दिखता है कुछ इस तरह का, आप सभी को पता है क्योंकि यही लुक हम सब दिखता है बहुत सालों से, इसे बदलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो भाई यहाँ पे साइड में एक्टिवा की बैजिंग है, यहाँ पे मेटल का बॉडी मिलता है आपको साइड से। और पीछे बात करें यहाँ पे फ्यूल कैप, टेल लैम्प आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है, यहाँ पे बल्ब दिखेंगी आप लोगों को अंदर, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। रियर व्हील की बात करें तो रियर में आपको 10 इंच का व्हील मिलता है, और 90x100 है इसका टायर प्रोफाइल, और रियर में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है रियर में। और वही दूसरी तरफ डियो में, डियो का साइड लुक दिखता है कुछ इस तरह का, पहले भी ऐसा ही था अभी भी ऐसा ही है। डियो और एक्टिवा में सिमिलर एक चीज़ ऐसा ही है कि भाई लुक दोनों का सिमिलर रखा है, मतलब डियो पहले जैसा दिखता था अभी भी वैसा ही दिखता है, और एक्टिवा पहले जैसा दिखता था अभी भी वैसा ही दिख रहा है भाई। और डियो में आपको यहाँ पे स्पेस वगैरह दिया गया है, कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पे, चिल्लर वगैरह या फिर हाफ लीटर की वाटर बॉटल आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। और साइड प्रोफाइल में आपको डियो में फाइबर का बॉडी मिलता है पूरा का पूरा, मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यहाँ पे स्प्लिट ग्रैबरियल देखने को मिलता है आप लोगों को, यहाँ पे फ्यूल कैप कार्बन फिनिश के साथ, कार्बन नहीं है लेकिन फिनिश आपको दिए गया है यहाँ पे। और टेल लैम्प की बात करें तो टेल लैम्प आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है, नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, और पीछे 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। और रियर व्हील की बात करें तो रियर में आपको 10 इंच का व्हील मिलता है, और 90x100 है इसका टायर प्रोफाइल। बात करें फ्यूल टैंक की, तो दोनों में ही आपको 5.3 लीटर्स की फ्यूल टैंक दिया गया है, और 1.3 लीटर्स की आपको रिजर्व टैंक मिलता है दोनों स्कूटर पे। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है डियो का, वो 160mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको डियो में, और 162mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको एक्टिवा में। तो अभी बात करें इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो एक्टिवा में आपको 109.51cc का इंजन मिलता है जो लगभग 7.73 bhp और 8.90 ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। वही दूसरी तरफ डियो 110 में आपको 109.51cc का इंजन मिलता है, मतलब इंजन तो सिमिलर है दोनों में, एक ही इंजन दिया गया है जो अप्रॉक्स 7.75 bhp और 9.03 ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क और bhp में जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर है, वो आप काउंट ना ही करो तो अच्छा है, मतलब
इंजन दोनों में ही आपको सिमिलर दिया गया है। और अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो डीओ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है कुछ इस तरह का, आपको फुल्ली डिजिटल दिया गया है यहाँ पे। ये वाला बटन से आप ऐसे चेक करते हो, सब कुछ चेक कर सकते हो आप, एवरेज क्या रेंज आएगी अभी सब कुछ। और यहाँ पे कंट्रोल्स लाइट के लिए, यहाँ पे इंडिकेटर्स के लिए, हॉर्न के लिए, इलेक्ट्रिक स्टार्ट के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक डाउन तो फ्यूल एंड सीट के लिए, दोबारा डाउन तो इग्निशन ऑफ। तो ये वाला स्विच तो होंडा के हर स्कूटर पे आपको देखने को मिलता है। तो आपको सीट स्टोरेज एक बार दिखाते हैं खोल के, ऑफिशियली अभी तक अनवील नहीं किया गया है कि आपको कितना सीट स्टोरेज मिलता है। एक्टिवा में आपको 18 लीटर्स की मिलता है और डीओ में लगभग 18 लीटर्स की आपको मिलने चाहिए, हो सकता है 18 लीटर्स की हो। और अंडर स्टोरेज में आपको ना ही कोई लैंप वगैरह देखने को मिलता है, ना ही कोई USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है यहाँ पे। और इसे अभी करते हैं बंद, चलते हैं एक्टिवा में। तो एक्टिवा में आपको एनालॉग दिया गया है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे, टेकोमीटर ये फ्यूल के लिए, और कुछ नहीं है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यहाँ पे इंडिकेटर हेडलैम्प के लिए और ये सर्विसिंग के लिए जो भी हो। यहाँ पे कंट्रोल्स इंडिकेटर्स के और इलेक्ट्रिक स्टार्ट के, यहाँ पे बाकी जो कंट्रोल्स है डीओ में यही यहीं पे। और सीट आपको मिलता है एक्टिवा में, एक्टिवा में आपको ना ही कोई लैंप वगैरह देखने को मिलता है, ना ही कोई USB चार्जिंग पोर्ट, दोनों में ही आपको ना ही कोई लैंप और चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अंडर स्टोरेज में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मेडिकिट और यहाँ पे हथियार और कुछ नहीं। और एक्टिवा की एग्जॉस्ट कुछ दिखता है ऐसा, आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं एक बार। ये किया मैंने ऑन, ये दबाया ब्रेक, ये किया मैंने स्टार्ट। तो एक्टिवा की एग्जॉस्ट नोट कुछ है इस तरह का। और अभी सुनाते हैं आपको डीओ की, ये मैंने किया ऑन ब्रेक स्टार्ट। तो डीओ की एग्जॉस्ट नोट कुछ है इस तरह का। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको एक्टिवा की एग्जॉस्ट ज़्यादा पसंद है या फिर डीओ की एग्जॉस्ट ज़्यादा पसंद है। और एक डिफरेंस जो इन दोनों स्कूटर पे है वो कब वेट का, एक्टिवा की वेट लगभग 106 किलोग्राम के आसपास और डीओ 110 की वेट जो है वो अप्रॉक्स 103 किलोग्राम के आसपास। और वो वेट लॉस इसलिए है कि डीओ में आपको टोटली फाइबर का बॉडी मिलता है और एक्टिवा में आपको पीछे यहाँ पे मेटल का बॉडी मिलता है यहाँ पे, तो इसलिए एक्टिवा ज़्यादा वजनदार है। और जो फ्यूल एफिशिएंसी जो कंपनी ने क्लेम किया वो 48 KMPL के आसपास, और रियल लाइफ में आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि मैं एक्टिवा चला चुका हूँ और मुझे ज़्यादा मिला है, 55 के आसपास मुझे मिल गया। तो अभी आते हैं कंक्लूजन पे कि प्राइसिंग वाइज कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर डील नज़र आता है। मेरे ख्याल से वो है डीओ, क्योंकि डीओ का लुक मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल बार मिलता है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है यहाँ पे डिजिटल, और यहाँ पे थोड़े बहुत कार्बन फिनिश जैसा कुछ दे दिया यहाँ पे स्टाइल। और एक्टिवा का लुक अभी भी वैसा ही मिलता है जैसे पहले दिया गया था, सिर्फ कलर चेंज करके दिया गया है एक्टिवा को, सामने खड़ा कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। लेकिन डीओ में, डीओ का भी आपको कलर पहले जैसे मिलता है लुक, लेकिन आपको ग्राफिक्स नया नया कुछ देखने को मिलता है डीओ में। तो आप लोगों को कौन सा वाला पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बात करें रियल लाइफ की, तो पर्सनली मैंने देखा है कि लोग डीओ से ज़्यादा एक्टिवा से खुश है। तो बस वीडियो यही तक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।